जो किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को एक स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उस कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन रेजिस्टर कहते हैं। ए कंपोनेंट विच गिव्स द स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कार्बन रेजिस्टर। द कंपोनेंट विच गिव द स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कार्बन, या फिर सिंपली हम लोग रेजिस्टर बोलेंगे। और मोस्टली हमारा जो है कार्बन से ही बना रहता है, इसलिए हम लोग कार्बन रेजिस्टर लिखते हैं। ठीक है। अब ये जो रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर के बॉडी पे हमारा चार कलर होता है। इस रेजिस्टर के बॉडी पे हमारा रिप्रेजेंटेशन फोर कलर रहता है। ये हमारा रजिस्टर हो गया, इसके बॉडी पे हमारा फोर कलर रहता है, जिसको हम ए बी सी डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए बी सी डी। ठीक है, आगे आ जाओ, बीच में आगे बढ़े जल्दी। जिसको हम नेमिंग किए हैं ए बी सी डी, समझ गए ना। अब यहाँ पे देखें हम, फर्स्ट टू कलर बैंड जो रहेगा जो हमारा ए बी है, समझ गए ना, ये हमें स्पेसिफाइड वैल्यू देता है। ए एंड बी द फर्स्ट टू डिजिट या फर्स्ट टू कलर, द फर्स्ट टू कलर गिव्स द स्पेसिफाइड वैल्यू, स्पेसिफाइड वैल्यूज ए एंड बी। ए एंड बी कलर बैंड हमें क्या देगा? स्पेसिफाइड वैल्यू, जिसका जो भी यहाँ पे कलर रहेगा, वो कलर का जो हमारा नंबर रहेगा, वो वैल्यू हमें यहाँ पे देगा। ठीक है। तीसरा हमारा थर्ड जो कलर बैंड है हमारा सी, ये हमें जो भी स्पेसिफाइड वैल्यू आएगा उसके इक्विवेलेंट उतना जीरो लेना है, उसके इक्विवेलेंट उतना जीरो लेना है। द थर्ड कलर बैंड गिव्स द स्पेसिफाइड वैल्यू, हमें जो भी स्पेसिफाइड वैल्यू देगा, विच विल बी टेकन इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ जीरोज। जो भी हमें स्पेसिफाइड वैल्यू देगा उसके बराबर हमें क्या करना है? उतना जीरो वहां पे प्लेस्ड कर देना है। फोर्थ नंबर जो हमारा है, समझ गए ना, ये हमारा द लास्ट कलर बैंड या फोर्थ कलर बैंड गिव्स दी टॉलरेंस, ये हमें टॉलरेंस देगा, समझ गए ना, इन परसेंटेज। यहां पे देखिए कार्बन रजिस्टर है, ये जो हमारा एबीसीडी रिप्रेजेंट करता है, एबीसी ये हमें बताएगा जो हमारा रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है। एबीसी द फर्स्ट थ्री कलर बैंड गिव्स द रेजिस्टेंस वैल्यू एंड फोर्थ गिव्स टॉलरेंस इन परसेंटेज, समझ गए ना। मीन्स टॉलरेंस मीन्स होता है फ्लक्चुएशन, अप एंड डाउन, तो वो हमारा टॉलरेट होते रहता है। जैसे हम कोई भी डिवाइस खरीदें तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू जो है अप डाउन दिया रहता है। तो यहाँ पे हम सिंपली
द फर्स्ट थ्री कलर बैंड गिव्स द रेजिस्टेंस वैल्यूज और रेजिस्टेंस का हम लोग जानते हैं जो यूनिट ओम होता है, तो हम लोग मेजर किस में करेंगे, ओम में करेंगे, विच इज मेजर्ड इन ओम। हो गया, ये हमारा जो है कार्बन रजिस्टर का कलर बैंड के बारे में इंडिकेट किया। अब हमें जो है सो कलर स्कीम समझना है, जो कौन कलर हमें कितना वैल्यू देगा, स्पेसिफाइड वैल्यू, समझ गए ना। तो यहाँ पे हम देखें बी बी वाई ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ इस्तेमाल करना है, समझ गए ना। पहला यहाँ पे हमारा बी, यहाँ पे हमारा बी, यहाँ से आर, यहाँ से जी, यहाँ से बी, यहाँ से बी हो गया, यहाँ से जी हो गया, यहाँ से डब्ल्यू हो गया। अब यहाँ पे हम जो है सो कलर को इंडिकेट करेंगे। पहला हमारा है बी और यहाँ भी हमारा बी है। इस दुनिया में काला सबसे पहले है, सबसे पहले क्या होगा, ब्लैक, ब्लैक के बाद ब्राउन, आर से रेड, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, बी से वायलेट, वायलेट जी से ग्रे, और लास्ट हो गया मेरा डब्ल्यू, डब्ल्यू से वाइट हो गया। अब यहाँ पे देखे तो हम डेसिमल सिस्टम अपनाएंगे। डेसिमल सिस्टम मेरा कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से, और कहाँ तक होता है, अप टू 9। तो हम यहाँ पे डेसिमल सिस्टम को अपनाएंगे। ब्लैक का हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू, जीरो, ब्राउन का 1, रेड 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हमारा ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, बी से जी से ग्रे, डब्लू से व्हाइट। अब यहाँ पे हम डेसिमल सिस्टम अपनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ब्लैक 0, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8, व्हाइट 9। ये हमारा डेसिमल सिस्टम हो गया। अब यहाँ पे ये जो हमें 0, 1, 2 दे रहा है, ये इसका स्पेसिफाइड वैल्यू है, समझ गए ना। अब यहाँ पे हम देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं एग्जांपल के साथ। एग्जांपल हमारा यहाँ पे देखिए, तो ये हमारा रजिस्टर है, इसका कलर बैंड यहाँ पे दिए वाइट, ब्लू, ग्रीन और ये सिल्वर। तो ये जो हमारा है ये रेजिस्टेंस वैल्यू के लिए, टॉलरेंस के लिए देखेंगे। टॉलरेंस हमें परसेंटेज में देगा। 3 हमारा रहता है गोल्ड, सिल्वर, और उसके बाद अगर गोल्ड सिल्वर के अलावा कोई नहीं है मीन्स नो कलर। गोल्ड का जो टॉलरेंस होता है वो हमारा ±5%, सिल्वर का ±10%, और नो कलर, अगर कोई कलर नहीं दिया है, सिर्फ 3 ही कलर है मेरे रजिस्टर पे, तो उसका टॉलरेंस 20%। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखे हैं, येलो है, ब्लू है, ग्रीन है, सिल्वर है। हम यहाँ पे जो है इसका रेजिस्टेंस वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले देखिए जो हम बताए थे आपको, पहला 2 कलर बैंड जो है सो हमें स्पेसिफाइड वैल्यूज देगा। तीसरा हमें जो भी स्पेसिफाइड वैल्यूज होगा उसके इक्विवेलेंट उतना 0 लेंगे। चौथा हमारा जो है सो टॉलरेंस देगा, और ये 3 हमें रेजिस्टेंस दे रहा है, और उसको हम किस में मेजर करेंगे, ओम में मेजर करेंगे। पहला यहाँ देखिए येल्लो है, येल्लो का हमारा
क्या दिया हुआ है स्पेसिफाइड वैल्यू 4, तो यहाँ पे लिए 4। ब्लू है, ब्लू का स्पेसिफाइड वैल्यू कितना है 6, तो यहाँ पे आप ब्लू का 6 ले लिए। फिर इसके बाद हमारा क्या है, ग्रीन है, ग्रीन का स्पेसिफाइड वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पे 5 0 लेंगे, उसके इक्विवेलेंट उतना क्या लेंगे 0 लेंगे, तो 4 6 1 2 3 4 5 हो गया। ये हमें क्या बता रहा है, रेजिस्टेंस वैल्यू बता रहा है। तो यहाँ पे इसको किस में मेजर करेंगे, ओम में मेजर करेंगे। प्लस माइनस कितना परसेंट सिल्वर के लिए टॉलरेंस है 10%, तो 10%।